और चटली को रिप्रेजेंट करने वाले ईशान जी हमारे 6 एफपीओ के साथ यहाँ वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है जो कि एचडीएफसी परिवर्तन प्रोजेक्ट के द्वारा हमारे प्रोड्यूसर कंपनी ने कई बड़े प्लेयर लाइक इनोटेरा 390 और नैफेड के साथ भी एग्रीमेंट किया है फॉर वॉलनट प्रक्रिया रिसर्च प्रोग्राम हिस्सा वो सर गड़बड़ पास है किसी चीज इस कलर क्या थे कर रहे कोई हवाई कलर बना एक कदम बढ़ाइए हम 10 कदम बढ़ाएंगे ये जो अभी आज की जो देश में जो एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है कि हमारे देश में 10,000 से ज्यादा एफपीओस बनाने हैं ये जो कृषि जिन्होंने भी हमें प्रोजेक्ट दिलवाने में मदद की है पूरी टीम में मैं प्रिया एक ही है और हमें सबको मिलजुल के चाहे वो यूटी गवर्नमेंट की स्कीम हो एचडीएफसी बैंक को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं ये बहुत अच्छा कदम है بہت عبداللہ ڈار ناؤ بہت گاندربل پہ آم بس اکس ایف پی او ممبر حس مگر یہ پہ ہمو یہ انٹروڈیوس کور ایف پی اوز تب پہ پروگرام گھان فائدہ ام سی زمین دارن والا اویرنیس ملان ام سی مختلف آرگنائزیشن آسان مختلف سیکٹرن ہم آفسران لیٹسٹ ٹیکنالوجی متعلق یا ات متعلق زانکاری دان مجھے باسان امک ہن فروٹ فل نتیج نیرن ان کنوینشنن ہند یا اجتماع گھان ام قسم ام سی ہک ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन देश भर में बनाना तो उसी में एक CBBO जिसको कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये एक ISAP है इन्होंने जम्मू कश्मीर में लगभग 25 FPO बनाए हैं तो इन्होंने और HDFC बैंक ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है प्रोजेक्ट परिवर्तन जिसके तहत ये इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करेंगे ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रोजेक्ट भारत सरकार का है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है तो इससे हमको लगता है कि किसानों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है